गोली कितने रखते हो साथ में, कितना गोली? ज्यादा ज्यादा हो या सारा कुछ मतलब? अच्छा, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं नवे दिन ते नवी वीडियो दे विच। मैं इस टाइम तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दे विच, और मेरा होटल है, होटल तो व्यू बड़ा शानदार देख रहा। यह सारा काबुल शहर देख रहा, वो सामने एक ग्राउंड है, उधर एक ग्राउंड है, वो सामने इन्हां दा क्रिकेट क्रिकेट बोर्ड है। पहाड़ ते वैसे आया सारे पहले ना, पहाड़ पहाड़ देखते हैं, काफ़ी सोहना शहर आ। इधर मस्जिद आ, वो सामने जो एक डंडा देख रहा होगा ना थोनू, उत्थे अफगानिस्तान का पहला जो झंडा लग्या सी, बाद इन्होंने ला के दूजा लाता सी, वो हुण भी मतलब उत्थे होगा शायद, उत्थे भी चलांगे ते होर बाकी तुसी देख सकते हो। पहला मैं परमिट लेना यार, परमिट तो बिना मैं ज़्यादा वीडियो तो कर नहीं सकता, मैं फट लेंगे फिर पंगा पै जूगा। वीज़ा मेरे को है, परमिट एक अलग लेना पैंदा, पहला उहदे ऑफिस चलते हैं परमिट लैन। आ थले का माहौल है, ये साडा होटल रूम सीगा भाई, ये अपने अरबाज भाई है कश्मीर तो, ने इत्थे आए हुए सीगे। चलो हुण चलदे आ, बूट पा लईए ते फिर बाहर निकलदे आ ते नाले गल्लां बातां करदे आ होर थोड़े नाल। आपां बैठे आ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दे विच, और काबुल दे विच बैठे आ आपां अपने तालिबान दे नाल। आपका नाम क्या है? मुहम्मद हुज़ैफा। आपका? कंदारे। आपका? मोहम्मद अबू। आपका? मोहम्मद इब्राहिम। सो भाई सारे जने बैठे हुए हैं, ये बंदूकों भी AK-47 है, कोई केड़ी है मैं तो नाम भी नहीं पता, और सारे मैगजीन वगैरह पे हुए हैं। मैं पहली बार इन बंदूकों कट्ठिया देखिया, और यार इन्ने क मतलब वधिया लोग ने ना। मैं कल कंदूस तो चलिया, रास्ते दे विच बहुत सारिया मतलब आने जिमें देखते हैं, पासपोर्ट देखते हैं, जान देते, मतलब बहुत ज़्यादा वधिया। पूरी सिटी के अंदर भी मतलब जो आ रहे सवेरे सवेरे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब जिन्ना क ज्यादा मीडिया ने दिखाया, मेरे हिसाब नाल मीडिया बहुत ही मतलब वो दिखा रहा, बड़े फेक दस दी है मीडिया पूरी ना। आए इन्हें रूम च खाना खा रहे सी, आए ये कहते आ जाओ बैठो, इतने चाह दी, चाह पीती लेमन टी सी, चाह पीती भाई आराम नाल, टॉफियां सी टॉफियां खा दी, बैठे हुए हैं, फोटो खिंच रहे हैं, गल्लां बातें मार रहे हैं। इन्हों मतलब इन्नी ज़्यादा हिंदी या उर्दू नहीं आती, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आ भाई सब, थोड़ी थोड़ी मतलब हिंदी उर्दू आता है ना, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, सो इन्हों आती है थोड़े बहुत, ये सानू ट्रांसलेट कर रहे हैं तो गल्लां बातें मार रहे हैं, मज़ा आ रहा। हुण मैं तुहानू क्लोज एक बार दिखा दिंदा ये सारा कुछ, तो आ बैठे हुए आपां, ये भाई साहब ने इन्हां कोल बंदूक, इधर ने बाई होनी, तो आ देखो भाई AK-47 है, आ इन्हां वो पे हुए सारा कुछ मतलब, आ इन्हां दे बाई हरां कोल, उधर बाई हरां दी उहदे किन्ना सारियां बंदूकां वगैरह पईआं होईआं हैं ना, इधर आ बंदूक पई हुई है। मतलब यार इन्नीआं बंदूकां मैं देख के एक बार हैरान हो गया सी यार, इन्नीआं सारियां इकट्ठियां किवें पईआं? एक बंदा एक रखता है, दो रखता है? एक बंदा एक है, तो अभी आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग, 6 बंदूक है। और गोली कितने रखते हो साथ में, कितना गोली? ज्यादा। सो भाई सारिया गोलियां देखो, मैगजीन वगैरह पा के रख दिया सारा कुछ, तो इन्होंने अलग आपके अलग अलग होते हैं, जैसे आप आपका जो ग्रुप है इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है ग्रुप का? तालिबान नहीं, जैसे तालिबान उर्दू, वो काले वाला एजेंसी वाला एजेंसी, अच्छा मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग है। सो भाई अलग अलग है सारा कुछ। बाकी हूँ मैं भाई यार फोटो खिंच लवा एक घंट जी है ना, मजा आ जाऊगा। शुक्रिया, क्या बोलते है, मनाना मनाना आ गए फिर सवेरे चाह चू पीती भाई यार, गल्लां बातें मारियां, मतलब यार वधिया मजा आ गया। अलदा भी कह रहे हैं बड़ा वधिया लोग है यार, बड़े प्यार वाले आ, मतलब मुहब्बत वाले लोग आ, और कोई मतलब मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिदा मर्जी आओ तुसी, बस आपका वीजा लेके आओ, आओ घूमो फिरो मजे करो फोटो खिचाओ। लो भी जा रहे हैं हुण अपनी टैक्सी, थले आ चुकी है टैक्सी वाले नाल, करदे गल की कहिंदा ओ भाई, कहिंदा धर्मेंद्र इधर आ भाई, थले आए सी हले। सोए भाई मिले, भाई ने दूरों आवाज मारी, कहिंदा कैसे हो सरदार जी? इंडिया आता आपको
अच्छा कहाँ से सीखी? अच्छा दिल्ली गए हो? नहीं। अच्छा आप गए हो दिल्ली? नहीं लाहौर, लाहौर नहीं पेशावर। अच्छा वहाँ पे सीखा? हाँ। अच्छा आप इंडिया से आए? हाँ पंजाब से। हाँ पंजाब से नहीं आए ये तो हिंदुस्तान से आए हैं। पंजाब इंडिया में भी तो है। अच्छा आप पंजाब पाकिस्तान रह गए हो? मैं पंजाब लाहौर के पास ही तो रहता हूँ मैं भी, बस बॉर्डर के उस पार। सब बढ़िया बंदे हैं यार। अच्छा यार अफगानिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ा वेलकम है। और मेरे को किसी ऐसे देश में किसी ऐसे दूर से आवाज मार के ऐसे मतलब बहुत रेयर कोई देश होगा, बहुत अच्छा है ना। ये मुश्किल नहीं है, सब प्यार से रहते हैं। अभी मेरे को एक बात बताओ गुरुद्वारा के लिए क्या बोलू, करते परवान बोलू? करते परवान हाँ। किस नाम से? क्या गुरुद्वारा ना करते परवान में? सिख गुरुद्वारा तो टैक्सी? हाँ तो वो टैक्सी वाला कितने पैसे लेगा यहाँ से? 150। अच्छा अच्छा भाई यार बाय बाय कह के शाम को मिलते हैं शाम को। सो चल पे टैक्सी वाला आ गया साढ़े, फिर मैं क्या शाम भाई यार गल बात मार आई है। ओके ओके लगे आप परमिट बनाओ। आपका नाम भाई साहब? रेशा। रेशा भाई नाल चले आप हूँ। ये है भाई काबुल शहर। बहुत ट्रैफिक लग गया होया अगे सड़क ते ना, मेरे वाले मतलब डॉक्यूमेंट नहीं बने ता करके थले कर लेने यार पता नहीं। इतने एक रेस्टोरेंट आए थे पिज़्ज़ा मंगाया मैं, वेजीटेरियन पिज़्ज़ा यार देखने काफ़ी वधिया लग रहा, वो भाई ने उधर आपका कुछ मंगाया। चलो खा लवा फिर गलबात करदा। असं एक मिनिस्ट्री गए थे दसदा उत्थे की प्रॉब्लम हुई। खा लिया पिज़्ज़ा ठीक सगा यार, मैं थोड़ा जहा छड़ता मतलब इन्ना इंडिया वाला टेस्ट तो नहीं सगा पर ठीक सगा मतलब टाइम पास हो गया। तो बाकी भी इतने नॉर्मली मैं थोड़ा दिखावा इतने रेस्टोरेंट के औरतं भी कम कर रही, खाण भी आई हुई तो कम भी कर रही। इतने हम देख जूगी मैं ज़्यादा इदा कैमरा नहीं करूँगा वैसे उधर न ता दसा तुम्हें क्योंकि तुम सुने होना नॉर्मली कि भी इतने इदा इदा मीडिया के मतलब बहुत सारिया अफवाह ना इदा ही बनाई हुई हैं। मीडिया यार दुनिया का जितों का मर्जी हो सारा विकावी हो जाता जोड़ा मर्जी हो, बस कोई किसी का होंगे कोई इदा लगता अपने हक की पार्टी का विकाऊगा कोई किसी की किसी पास का विकाऊगा। सो इदा है भाई। सो मीडिया ने मतलब बहुत ही नजायज चीज़ा दिखाई हुई जो कि मतलब इतने आके मैं वो चीज़ा इदा नॉर्मली फील नहीं हुई कितने इदा का कोई चक्कर नहीं। औरतं बुढ़िया सब काम कर दियाँ नॉर्मली घूमदियाँ फिर कोई एडा चक्कर वाली गल मैंने तो खैर लगी नहीं। इतने खाना खादा मैं बई ने कहा मैं भाई बिल लिया दे, बई कहता यार बिल की लड़ नहीं है कहना मैं आपके खाते चो दे दूंगा, कहना तू सा मेहमान है यार इदा किसी वेटर ने किसी रेस्टोरेंट तुम दुनिया से कितने क्या हो कोई नहीं कहता। सो भाई सही बंदे है यार बड़े ही ज़्यादा। दुनिया के जितने मर्जी कोने से चले जाओ जितने मर्जी मैंने नहीं लगता कोई इदा थोड़ा रेस्टोरेंट के एक वेटर ही थोड़ा यह कह दूंगा कि यार मैं बिल थोड़ा पे कर दूंगा कि तुम साढ़े मेहमान हो यार। बड़े घेंट बंदे दो बई सके और पाकिस्तान पंजाब रहे जिन्होंने पंजाबी आते उन्होंने देख के मैंने पछाणा और सू इतने छड गए थे रेस्टोरेंट दिखा गए थे तो बई ने थोड़ा समझा भी गए थे यार। बई कहता मैं नहीं लै सकता मैं नहीं यार इदा नहीं होंगे भाई बिल लिया दे तू फिर बई लै गया थैंक यू। ये आ गया बिल देने किन्ने का आया ये है भाई बिल। भाई एक मॉल च आए थे रेस्टोरेंट से खाधा पीता तो हूँ बाहर जा रहे हैं वीडियो वूडियो यार इतने थोड़ा चक्कर ही आ मतलब है हूँ इन्होंने दिनों से ज़्यादा पहला थोड़ा जहा ठीक सगा हूँ ता करके मैं थोड़ी घट वाधी बनाऊँगा। सो थोड़ा बाहर निकलते हैं बाहर का माहौल देखते हैं फिर चलते हैं टैक्सी फट के। भाई आया कहना भी रुपये लाऊंगा वजीरे अकबर तक जाने वजीरे अकबर आ जिते वो इन्हों का मेन फ्लैग वाली लोकेशन सी हूँ तो उ पता नहीं फ्लैग हैगा भी है कि नहीं तो उत्थे चलते हैं। इन्ह दिन प्रॉब्लम आ पिछे वाले मेरे भाई ने एक बार फट के भी लै गए थे ये उत्थे ला के आया कुछ टाइम तो मैं नहीं चाहता कि मैंने फट के लैके जाने टाइम बहुत वेस्ट होगा पर जो मैं वो लैटर मिल जाता फिर मैं खुल के वीडियो बनाऊँगा। मैंने लैटर मिले नहीं क्योंकि छुट्टी है कल ईद आ फिर ता करके मैं हूँ यार इदा ही बनाऊँगा थोड़ा जहा ना लुक छिप के ऐ यार फड़न के टाइम बहुत वेस्ट हो जाऊगा। ਇਹ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ 20-20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਬਾਈ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੁਨਸਾਨ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 300-400 ਮੀਟਰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ।
अरबाज भाई इतों के लोकल लगते किन्ने लोग तो खा आके बंद ने पश्तो च बोलन लग जाते और मेरे बारे पूछन लग जाते कि बंदा इंडिया का पता नहीं की हो गया लोगों अरे तो मैं कपड़े दूजे पाए ना कहूंगा इतने तालिबानिया ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਪਰ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਝੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਵੇਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਸ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਆ ਬਸ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗਾਰਡਨ ਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ 300-400 meters ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਵਸੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨੋਰਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਛੁਆਰੇ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੇ ਬਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ ਸੜਕ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਿੱਧੇ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਸਟੈਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਸੌਖਾ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਹਵਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਅੜਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ 100 meters ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰੋਡ ਆ ਗਈ ਬਸ ਇੱਥੋਂ 100 meters ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਾਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਊ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕਾਬੁਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਪੋਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਗੇਟ ਬੰਦ ਆ ਯਾਰ ਬੰਦ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 extra ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਤੇ 10 ਦੀ ਸੀ 20 ਦੇਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਈਦ ਆ ਸੋਰੀ ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 6 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਾਬੁਲ ਹੀ ਆਣਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹੈਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾ ਯਾਰ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਹੀ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਾਬੁਲ ਆਊਂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬੁਲ ਤਾਂ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਨਾ ਕਨੈਕਟਡ ਸਾਰਾ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚਲੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ
सो उम्मीद करता वीडियो थोड़ा वधिया लगी होगी। जेकर वधिया लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो और जेकर तुम मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते थले मेरी आई डी लिखी आ रही होगी ऑफिशियल नवदीप बराड़ उत्थे फॉलो कर सकते हो। चंगा जी सत श्री अकाल रब रखा मिलते हैं अगली वीडियो।